हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको SBI के न्यू डेबिट कार्ड पिन जनरेशन के बारे में बताने जा रहा हूं। यदि आप SBI के खाता धारक हैं और आप नए ATM कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको नए ATM कार्ड के पिन जनरेशन के लिए नियरेस्ट ब्रांच के ATM में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस परेशानी से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि SBI के ग्रीन पिन जनरेशन के जरिए आप कहीं भी किसी वक्त अपना ATM पिन जनरेट कर सकते हैं। ATM पिन को हम मुख्य रूप से इंटरनेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग और कस्टमर केयर नंबर के अलावा हम नियरेस्ट ATM में जाकर अपना पिन जनरेट कर सकते हैं। पिन जनरेशन के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग, SMS बैंकिंग और कस्टमर केयर नंबर वाले ऑप्शन आते हैं। तो हम इस वीडियो में इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा आपको पिन जनरेट करने का प्रोसेस बताएंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद www.onlinesbi.com को सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें कंटिन्यू टू लॉगिन में क्लिक कर लेना है। इस प्रकार एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। तो इस प्रकार अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। तो इस प्रकार नया पेज ओपन होगा, जिसमें ई सर्विस में जाकर आपको ATM कार्ड सर्विस पर क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार आपको एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें ATM कार्ड सर्विस से रिलेटेड आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको ATM कार्ड पिन जनरेशन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर आपको एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ATM पिन जनरेशन के लिए दो ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन OTP और दूसरा ऑप्शन प्रोफाइल पासवर्ड का होगा, जिसमें आप दोनों में से एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं OTP वाला ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा। तो इस प्रकार एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में OTP आएगा, उसको डालना है। तो यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करने पर आपको इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आपका अकाउंट नंबर दिखाएगा। तो अकाउंट नंबर पर क्लिक करके आपको कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा। इस पेज पर आपको आपके अकाउंट से लिंक सारे डेबिट कार्ड के डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिस वाले डेबिट कार्ड पर पिन जनरेशन करना है, उसको चूज़ कर लेना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको आपके मनपसंद स्टार्टिंग के दो डिजिट डालना है। डाल लेने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपको आपके मोबाइल पर SMS के रूप में लास्ट के दो डिजिट आपको सेंड कर दिए जाएंगे। इस प्रकार आप इस पेज पर आपके द्वारा डाले गए मनपसंद दो डिजिट और SMS के थ्रू आए दो डिजिट को डालकर यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको न्यू ATM पिन नंबर हैव बीन अपडेटेड का मैसेज आएगा। तो इस प्रकार आपका न्यू ATM पिन जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप इस प्रकार अपना ATM पिन जनरेशन का प्रोसेस नेट बैंकिंग के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं, और आपको किसी प्रकार ATM में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।